जिसने भी जवान मूवी देखी होगी उसमें एक खास ट्रेलर देखा होगा। वेल, जवान ने सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया, लेकिन हम यहाँ आज आपको पूरी फिल्म दिखाने वाले हैं, वो भी इसके स्टार कास्ट के साथ। सो वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच। यस, एंड ट्रेलर इज सुपर। तो चल, में सबसे पहले तो जो हमने जवान से शुरू किया और उसमें जो आप लोगों का ट्रेलर चला है और पब्लिक इम्प्रेस हो चुकी है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, और सो उस मूवी के देखने वालों ने कितने ऐसे लोगों ने फोन किया और बताया कि अरे हम तो गए थे जवान देखने और काला देखकर आ गए। आप हमारी इंस्टाग्राम स्टोरीज देख लीजिए, सबने वो टैग किया हुआ है और हमने शेयर किया हुआ है। सो अ लॉट ऑफ पीपल, यस, लोगों ने देखा है। और अच्छी बात है कि एक हमारे पास एक ये भी एक जरिया है, जैसे लोगों को पता चले कि काला एक ऐसी वेब सीरीज आ रही है जो डिज्नी हॉटस्टार पे 15 सितंबर यानी कि रिलीज होगी। अब तक तो देख लिया होगा सब लोगों ने, आई एम श्योर। और अभी बारी है आप लोगों की बताने की कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, एनी रिएक्शन? मुझे तो बहुत फोन कॉल आ रहे हैं, और जो क्योंकि मैं भिंडी बाजार से हूँ, मेरे सारे जो एक्सट्रीम मासेस जो है ना, मेरे दोस्त, मेरे जो इनके हाथ में पला बड़ा, तो उनको पहले लगा फिल्म है, क्योंकि ऑब्वियसली जवान इतनी बड़ी फिल्म है, उसके पहले आ रहा था, बोला तू फिल्म कर रहा है, तू फिल्म कर रहा है, और उनके पास तो शायद अब सर होगा भी नहीं। सो आई थिंक द गुड थिंग, आई होप के बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने उनको इतना अच्छा लगा ये ट्रेलर। सो आई एम जस्ट टू ब्लेस्ड टू बी ऑल्सो पार्ट ऑफ जवान, ऑल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ जवान एंड शाहरुख सर। आई थिंक ऑल्सो पीपल आर वेरी, जो ट्रेलर है, जो शो है, बहुत सिनेमैटिकली शूट किया गया है। जी, हाँ। जी, so, उसको बड़े पर्दे पर देखना ना, इट्स अनदर हाई। तो लोगों को लग रहा है एक्चुअली में सीरीज है, बट लोगों को लग रहा है कि फिल्म बनी। फिल्म, लगता है फिल्म की तरह। जवान से पहले और मासी है, हर टाइप का इंसान देखना चाहेगा उसे। दैट इज व्हाट्स गोना बी फन। तो जब हम काला वर्ड बोलते हैं ना, तो एक डार्कनेस आता है ना, काला आपके सामने अंधेरा छा जाएगा। हितेन, लेट्स स्टार्ट विद यू, व्हाट इज काला? बट व्हेन इट कम्स टू यू, सपोज मैंने बोला काला, क्या आता है वो दिमाग? काला मतलब बहुत कुछ हो सकता है, काला पैसा, काला आदमी, काला इंसान, मतलब काला कैरेक्टर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। काला रंग, जैसे आपने कहा, काला हमेशा कहा जाता है कि हम उसे जोड़ते हैं डार्क के साथ जी। लेकिन डार्क से निकल के एक वाइटनेस आती है, सवेरा आता है, उजाला आता है, तो वो भी है इसमें कि कैसे लोग ट्रैवल करते हैं और कैसे ये कैरेक्टर की जर्नी है। सारे कैरेक्टर्स के, हम जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं इस शो से, इस सीरीज से, उनकी एक जर्नी है जो दिखाई गई है। और सिर्फ यही नहीं है कि काला है तो आदमी काला ही होगा, जैसे आदमी होता है बेसिकली इंसान, एक तरह से देखा जाए तो आपको भी पता होगा कि उसके अंदर गुड भी होता है, बैड भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि एकदम ही गुड हो गया तो फिर तो सेंट बन जाएगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सेंट्स, बट कोई इंसान है नहीं। जितिन, आप बताइए, जब ये काला जो टाइटल आया ना, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड? एक्चुअली हमारा टाइटल पहले कुछ और था। तो काला टाइटल जब हम मतलब व्हेन वी ऑल गॉट फाइनलाइज्ड और शूट पे हम गए तो हमें मिला टाइटल। मेरे लिए ना काला एज मच एज इट्स अबाउट, एक नेगेटिव कॉनोटेशन आती है जब भी हम काला समझते हैं जी। मेरे लिए काला का मतलब है समथिंग सॉलिड। अच्छा, कि आप उसको कितना भी गंदा कर लो वो अपना रंग नहीं बदलेगा। सो फॉर मी काला मीन्स समथिंग दैट स्टैंड्स ट्रू टू इट सेल्फ, राइट? सफ़ेद का क्या होता है ना, जल्दी गंदा हो जाता है, बाकी रंग पे भी रंग चढ़ता है, काला पे कोई रंग नहीं चढ़ता। सो फॉर मी दैट समथिंग वेरी सॉलिड एंड आई लाइक दैट थिंग अबाउट ब्लैक। I am black, but then I'm also shades of white and black. I can see good combination. We are all in black and white. It's feeling like a theme decide करके आया। Yes. Decide नहीं की थी, अपने पास हो जाती है। हो जाती है। We are all always in sync. हम लोग एक टीम के मेंबर हैं। हम तीनों एक टीम के मेंबर हैं। कुछ लोग धोखा देते हैं, but ठीक है। क्या करें, मजबूरी में करना पड़ा। थोड़ा-थोड़ा से क्लू मिल रहा है कहानी का। हम दे रहे हैं। धोखा देते हैं। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, उनको क्लूज मिल रहे हैं। ताहिर, your turn. What is Kala according to you? I think Kala is beautiful. As मतलब मैं I don't believe in negative connotations in life. तो Kala आप कोई भी, मेरे हिसाब से जैसे जो पहली बात आती है, हमेशा काले से रंग आता है मेरे मन में जी। तो काली चीज़ कभी मेरे हिसाब से बुरी नहीं हो सकती है, इट्स अ परसेप्शन, राइट? हमने परसेप्शन बना रखा है कि काला इंसान, काली सीरत, काला ये, काला वो, काली करतूत, काली करतूत जो भी है,
पर जो काली जो आदमी काली करतूत कर रहा है क्या उसको पता है वो बुरी चीज है. सो टू मी इट्स अ परसेप्शन बट लाइक जितिन भाई वाज सेइंग इट्स ऑल अ परसेप्शन गेम बट ब्लैक इज ब्यूटीफुल. अंग्रेजी में कहावत भी है ब्लैक इज ब्यूटीफुल. एंड ऑल्सो व्हेन आई थिंक अबाउट ब्लैक आई थिंक अबाउट अ हॉर्स आई यूज्ड टू राइड एज अ चाइल्ड. मैं जब छोटा था एक घोड़ा था एक घोड़ा थी एक्चुअली लीसा नाम था उस घोड़े का नासिक में. तो मुझे पहले वो घोड़ा याद आता है. अच्छा I love काला. अभी तक तो I don't know काला हमारे लिए आज ये मीन कर रहा है. In the days to come काला is the best thing that we've been a part of. Okay, so हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम एक एक करके जानेंगे कि exactly क्या character आप play कर रहे हैं और क्या shade है आपका. जितिन let's start with you. मेरे character का नाम है बलवंत पीर राणा. Army में है. He's a homosexual man in the army in the 80s. So उसे पता ही नहीं है कि where is he, how is he placed in life. You know, 80s में देखिए आज तो हमारी काफ़ी we are quite aware of the LGBT community. But in the 80s नहीं पता था. You know, who are you? Who are you? Who is so different from the heteronormative world around you? So the story starts from there and it's all about him finding his true place and who he is and being true to his being. And how you know things happen in his life and he decides that he's actually a woman caught in a man's body. And the gender reassignment surgery happens and he becomes a woman and also becomes the antagonist for people. As much as he is the antagonist, I feel it's the identification of power in his own self that helps him to give out power. And you know, that yearn for power comes from there. अगर आपको जिंदगी ने बहुत डिनाई किया है ना, लोगों ने बहुत डिनाई किया है चीज़ों के लिए, अगर आपको अपनी जगह ही नहीं पता जमाने में कहाँ पे है, देर इज अ डिफरेंट वे ऑफ यू टू एक्सप्रेस पावर एंड दैट्स व्हाट दिस कैरेक्टर इज ऑल अबाउट. बट उसकी वजह से मेरे कैरेक्टर को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ये मेरे क्योंकि मैं उनका सुपुत्र हूँ. सुपुत्र हैं. सो मेरे कैरेक्टर को बड़ा मेस्ड अप होता है दिमाग में क्योंकि सडनली उसका बाप. सो ट्रू टू योरसेल्फ. सो ट्रू टू यू. यू आर सच अ परफेक्ट कास्ट. मेस्ड अप. ओ सेट. आई एम लाइक ओ सेट. मेरे पिताजी मेरी माताजी बन गई है. सो आई एम लाइक सो एक्चुअली जो नमन आर्य का जो इवल है ना, जो उसकी जो मेस्ड अप लाइक ही वाज सेइंग डोंट से अभी ताहिर शब्बीर भी थोड़ा उसमें आप घुसा रहे हो. उसमें उनका इनके किरदार का बहुत लेना देना है. बिकॉज इमेजिन करिए नमन आर्य के पिताजी उसकी माताजी बन जाते हैं सडनली. तो दोनों के बीच में वो ये नागिन से भी खतरनाक है. मुझे वो सीन आज भी याद है. और क्या हाल होगा उसका, मतलब कौन सा वाला? भाई एक सीन है, हम आर्मी में, मैं इनको पहली बार मिलता हूँ आर्मी में है ये. ही इज अ रेफ्यूजी and he's met me as an army guy, hardcore masculine army guy. And then next, after a few episodes, he suddenly sees me in a full gown with long hair. And literally, I did not meet him before the shoot also. So, unke paas, I think jo reaction hai, wo real hai unka. He was like, what is this? Ye kahin aur hai, ye London mein hai. That was my audition. Mujhe bulaya gaya hai. Aur main, mujhe laga ki main inse milunga, Balwant se. और मैं जाता हूँ देखता हूँ ये तो शक्ति बन गए. बलवंती बन गए. शक्ति बन गया ये तो. He is shocked. I think इनका शक्ल देखने वाला है मुझे कि ऐसा 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 बोल रहा है बचपन में. ये अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्या ये कैसे क्या मतलब व्हाट हैपेंड. सोचो इनकी ये हालत है तो उनके बेटे की क्या हालत होगी. बराबर इन दोनों के बीच में फंसा मैं हूँ. आज भी बीच में ही बैठे हैं. आपको बिठा दिया इन लोगों ने. और इनका तो मतलब ऐसा है बचपन से ही हैज सीन देन द मदर. सो व्हेन ही व्हेन द जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी हैपेंस ही इज अ किड. ही इज एक्चुअली सीन देयर इज एक्चुअली अ सीन वेयर द मदर इज किलिंग समवन एंड ही इज देयर. सो लुक एट द मेस. नमन जो उसका अंदर जो काला नमन के अंदर है इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ़ माय मम्मी एंड माय पापा मम्मी इन वन वर्ड मम्मी मेरी माँ भी है मेरा बाप भी है दोनों ये नाइस. बड़ी खुदगर्ज हो आप मम्मी पापा. कीप समथिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन. हाँ बस अभी फॉर दिस सीजन दिस इज ऑल वी कैन रिवील. करेक्ट करेक्ट. हितिन सब रिवील तो कर दिया अभी. बताया तो क्या मैं तो कंफ्यूज था इनको देख के.
इनको फंसा के रखा है ना। लेकिन वो जो ऐसे हाथ करके जो धोखा बोला ना जितिन ने, तो वो थोड़ा मुझे जानना था। वो अगर हम रिवील कर देंगे तो आई एम श्योर अभी तक तो लोगों ने देख लिया होगा कि किसने किसको धोखा दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। एक सिचुएशन थी ऐसे, आपको इनको देख के लगता है धोखा दे सकते हैं? सच्ची बताइए कि भाई शक्ल पे तो हमेशा इनको देख के लगता है हम लोग धोखा दे सकते हैं? नहीं नहीं, इनको तो ना आपको देख के इमेज है, आपको देख के तो ताहिर तुम्हें देख के लगता है शक्ल सी लगती है। आप इनको देखो, हम इनको आई थिंक 20 साल से देख रहे हैं, देखो इनको देख के लगता ही नहीं है धोखा दे सकते हैं। भाई आपको देख के तो मम्मी पापा वाली फीलिंग नहीं आती ना, हो गया तो शक्ल पे तो मैं नहीं जाने वाली। यही तो बात है, जो हम हैं वो नहीं है, नहीं है, और तभी तो हम कलाकार हैं। तो चलिए आप वो धोखा वाला थोड़ा सा तो अपने मुंह से रिवील करिए। धोखेबाज, कितने धोखेबाज हैं आप? देखिए मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। मैं जो काम करना चाहता था वो मुझे करने मिला नहीं, और अगर किसी से कुछ काम जबरदस्ती कराओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो वो बोलेगा ना कि भाई मुझे माफ करो, मुझे निकलना है। और वो निकलने का रास्ता वही मैंने कहा ना, सबका एक ह्यूमन साइड है। एक इंसान अगर कहीं फंस जाता है या कोई चीज़ करता है जो उसे नहीं करनी है, फिर भी मजबूरी में करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा जब उसे मौका मिलेगा। इसे मौका मिलता है कि सब चीज़ें सुधारे, इसे लगता है कि शायद मैं सब चीज़ सुधार दूंगा, पर क्या होता है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। दैट्स कॉल्ड धोखा, धोखेबाज कहीं के, धोखेबाज नहीं होता, धोखा नहीं होता वो। मम्मी यू हैव टू फायर दिस मैन। नो यार, डोंट वरी, किल हिम मम्मी, किल हिम, योर टर्न, योर टर्न। वो इनसाइड वाली स्टोरी बताइए अपने कैरेक्टर की। सबका धोखा हो गया, मम्मी पापा हो गए। सो नमन का जो ऑल ओमनीप्रेजेंस पावर जो वाइब है वो आता है मम्मी से, राइट? मम्मी इज ग्रेट, उसकी ताकत। हाँ, मम्मी तो अभी खुली भी नहीं है एक्चुअली ये सीजन में। आई थिंक यू आर ओनली गोना सी द 10% 20% पावर इस सीजन में। मेरा पावर जो आता है वो जेनरेशन यहाँ से आता है। इनके साथ बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, इसीलिए हमने इनको बीच में बिठाया भी है, बिकॉज जस्ट लाइक द शो यहाँ पे भी वो फंसे हुए हम दोनों के बीच में। बिग बॉस बना दिया आपने? हाँ, वो बिग बॉस, ही इज बीइंग बिग बॉस राइट नाउ। बिग बॉस इज मम्मी, ओके, इन दिस फॉर श्योर। एंड खुलासा इतना ही है क्योंकि ये आई मीन दिस इज अ मल्टी सीजनल ट्रैक, राइट? तो इसमें मजा ही आएगा। बेसिकली ओवरऑल इट्स अ कैट एंड माउस गेम, मैसिव। नॉर्मली कैट चूहा बिल्ली का खेल एक एक खिलाड़ी से होता है, और इसमें कई पहलू है। जैसे आपने ट्रेलर भी देखा होगा, यू हैव सीन सो मेनी कैरेक्टर्स, राइट? सो वेदर इन दिस यू प्राइमरीली सी अविनाश एंड मी इन द ट्रेलर, बट इट्स नॉट दैट। इट इज अबाउट वेयर इट्स स्टेमिंग फ्रॉम एक्चुअली। अभी नाउ दैट यू हैव सीन द शो, यू नो हु द रियल खिलाड़ी ऑफ द खिलाड़ी इज इन दिस। So everything is stemming from here. Yeah, yeah. Just एक वो एक basic thread जो है वो यही है। काफी serious हैं आप? मैं serious हूँ। Life में भी? नहीं नहीं, मैं I always you know react as an actor to the co-actors that I have. ये दोनों बहुत। हम serious हैं? आपने ये serious? बहुत सीधा आदमी। कभी नहीं। बहुत सीधा आदमी। मैं नहीं मान सकती एक घंटे से बात कर रही हूँ। बिल्कुल मान सकती। अरे आप 4 घंटे बिठाइए इसको। हाँ, टेढ़ी बात करेगा, सीधी बात नहीं करेगा। अच्छा चलिए बात करते हैं, अगर हम काला करतूत अगर मैं वर्ड दूं तो जितिन ताहिर के बारे में, एक्टर नहीं रियल वन, ताहिर इनकी कोई काली करतूत जो आपने नोटिस की होगी सेट पर? सेट पे रियल लाइफ में, नॉट ओनली सेट बट इफ यू नो ताहिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मैं कैमरे पे तो नहीं बोलूंगा ना काली करतूत है। मैं मिठाई खिलाऊंगा आपको, मिठाई, मिठाई की शॉप पे जा रहे हैं, पेट भर जाएगा, हम मिठाई उठाई नहीं खाएंगे, हमको बस फैक्ट चेक करना है। आज खा के आए, नहीं मिठाई खा के आए। भाई तुमको पोकर की कसम, पोकर इनको पोकर बहुत पसंद है। वो काली करतूत नहीं है, आप काली करतूत बताओ। काली करतूत नहीं है इनकी कोई, कोई अगर काली करतूत होती यहाँ बैठे होते वो, कुछ तो किया होगा ना जो यहाँ बैठे हैं, कुछ तो सही किया होगा। इट्स नॉट लाइक दैट काली करतूत। हां, सब मस्ती, थिंक अबाउट इन डीप, डोंट गो दैट मच इनटू, बट यू नो समथिंग लाइक यू हैव नोटिस्ड अबाउट हिम, दैट इज समथिंग करना नहीं चाहिए था इनको करना नहीं चाहिए था। दैट काइंड ऑफ काली वो तो फिर खत्म ही नहीं होगा, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा फिर, 20 मिनट अपने खत्म हो जाएंगे। इनको बातें कम करनी चाहिए। हां, मुझे लगता है इनको बातें कम करनी चाहिए। आई एग्री विद हिम, बहुत बातें करते हैं। ओके ताहिर, टेल मी समथिंग अबाउट हिम। कोई काली करता है, इनको बातें कम करनी चाहिए। इनको बातें कम करनी चाहिए, मेरी तो 100%। मैं खुद बोलता हूं इनको वक्त का तकाजा ही नहीं रहता जब ये बात करना शुरू करते हैं। आई एम अ वेरी इन द मोमेंट गाय, बट हितेन भाई के बारे में क्या है यार? हितेन भाई काली करतूत है। हितेन भाई इज टू हेल्दी यार। नहीं नहीं, आई टेल यू व्हाट, ही इज टू स्वीट। ही इज टू स्वीट, समटाइम्स ही नहीं, टू स्वीट इज यू आल्सो।
too sweet. Yeah, but he is too. I've never met many actors. Like yeah, but I've met many actors. You're too sweet. He's too sweet, too underplayed, too everything, too sweet. He's too sweet. He's also very, very sweet, but he's a. मेरा काली कर तो दे बता दिया उसने apart from anything he's too sweet but with him he's too healthy according to me like right now also we are going to have lunch he's so healthy man like he's just and I am also you went to Maharaja Bhog right you went to Maharaja Bhog क्या खाया थाली पूरी तुमने खाई हाँ दोनों ने पहले भाई I love having the dal and all that. Huh. But he is so particular. I remember one day we were having. You didn't have the biscuit also. So I chai and biscuit. हम लोग ऐसे 50 घंटे shoot कर रहे थे एक दिन. तो मेरी तो मैंने temptation में आके चाय और ग्लूको बिस्किट खा रहा था. भाई ने मतलब उनको उनकी आँख में से मुँह में से लाल आ गई थी. उन्होंने नहीं की मैंने कहा भाई. Green tea पी रहे वहाँ पे यार. Healthy. Another level. It's annoyingly. You know what do you say? It's distressing for your co-actor to see such health on set. Mm. But yeah, na. So because we are shooting so many hours, yeah, you cannot work out. Mm. So the only one thing you can control is your diet. Mm-hmm. So you have to control wherever you can. जो खाना खाने का time है वो तो अब तो खाना खा ही लेंगे हम. For the last 20 years, he looks like he's 20. True. Also, that's true. तो वो तो ऐसे ही होना चाहिए ना यार. इसे diet से ही maintain किया भाई. वर्कआउट से नहीं वर्कआउट करने का इतना टाइम नहीं मिला हाँ. जब जब मौका मिला वर्कआउट करता हूँ लेकिन मेन जो है कंट्रोल वो डाइट सारा को पे डाइट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस द टोटल शूटिंग इफ आई आस्क हितेन लेट्स स्टार्ट विद यू बड़ा मजा आया यू डू द होल पॉइंट इज दैट जब आप किसी चीज़ में 100% देते हो और आप देखते हो कि आपके आजू बाजू में भी सब लोग मतलब और ज़्यादा दे रहे हैं तो यू नो यू ऑटोमेटिकली गिव एवरीथिंग एंड नॉट ओनली अस द होल यूनिट इवन अवर डायरेक्टर यू नो बिजॉय नंबियार वो उनका विजन ही कुछ हम लोगों मतलब ऐसा लगता था कि ओ माई गॉड ये कैसे सोच लिया ये आदमी ने हम तो सोच भी नहीं पाए गुड और वो करने देते थे चलो करो और कभी कभी तो ऑन सेट ही मतलब कुछ और होता था फिर बोलते थे नहीं ये काम करो ऐसा करो तो वो मज़ा आता है अच्छा और सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं गिव एंड टेक वाले हैं और सारे आर्टिस्ट ओपन हैं सब कुछ करने के लिए तो और भी मज़ा आता है कि भाई चलो कुछ अच्छी चीज़ बन रही ये आप लोगों ने जैसे देखा है कि एज ऑफ द सीट थ्रिलर है कैट एंड माउस है लेकिन हमारे साथ भी यही था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये कहाँ यूज होगा अच्छा राइट बिकॉज वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि ये कैसे ये करवा तो रहे हमसे हम तो मानेंगे हम काम ही करने हैं और हमें डायरेक्टर की बात माननी है कुछ भी हो क्योंकि उन्हें पूरा विजन है उन्हें पता है हम सोच में पड़ जाते कहाँ लेकिन जब आया बन के देखा हमने तो हम भी ऐसे रह गए जैसे ताज ने बताया कि देखा ट्रेलर देखा तो सब लोग ऐसे ही थे पहले ओ माय गॉड ये क्या हो गया जब मैंने पहली बार टीजर देखा था आई डिड नॉट नो दैट इज गोइंग टू कम आउट सो वेल दैट्स व्हाट एवरीबॉडी आल्सो ना बिजॉय जैसे शूट करते हैं समटाइम्स वी डोंट इवन नो कैमरा कहां पे है एंड उनकी थोड़ी जो विजन है सिनेमैटिक विजन है वो कुछ देखते हैं उनको समझ आता है अच्छा कैमरा ऐसे लगाता हूँ ताकि आई कैन टेक द शॉट फ्रॉम देयर वी डोंट नो वेयर द कैमरा इज वी डोंट नो व्हाट ही इज थिंकिंग वी आर डूइंग अ थिंग एंड ही इज कैप्चरिंग अस एंड देन वी सी द फाइनल थिंग एंड देन वी रियलाइज ओह दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग Nice. So it's a very healthy surprise. It's a very good surprise. अच्छा सबको ना टीवी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. Now the TV with this theater and the beach वाला OTT. How do you take it? और कितना आप लोगों को let's start with ताहिर आपसे कैसा आपको कितना डिफरेंट लगा और कितना फ्रीडम यू नो एक जो एक्टर के पास सिर्फ बॉलीवुड रहता था टीवी रहता था और एक टैग भी लग जाता था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सो बीच में जो OTT ने एक दरवाजा खोला है सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैंने तो एक टीवी शो किया उसका बोझ लेके मैं घूम रहा हूँ अभी भी बिकम एक के अंकल सा बिकॉज इट इज अ मैं इनफैक्ट मैं 17-18 का था तब से मैं पता है पीपल नो दैट मैं AD था जी सो उस जमाने में बहुत होता था कि यार टीवी एक्टर को नहीं लेते बिल्कुल फिल्म एक्टर को लो अब वो सब अब अभी है थोड़ा बहुत कम है और ऑल्सो मेरा ये है कि OTT और फिल्म्स को हम सेपरेट नहीं करते बिकॉज OTT जो है वो सिनेमैटिक ही है बेसिकली टीवी का अंतर इसलिए होता है कि टीवी अखबार है इट्स लाइक आज आपने छापा कल आपने पढ़ा और फिर फेंक दिया या यू डोंट देयर इज नो रिपीटेटिव वैल्यू टू टीवी व्हिच इज व्हाई टीवी थोड़ा अलग होता है दो मैं कहूंगा कि टीवी की भी क्वालिटी इज इंप्रूविंग अ लिटिल ओनली बिल्कुल बिल्कुल बट एज एन एक्टर मेरा हमेशा ये मानना है कि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया एज एन एक्टर मैं जितना कमिटेड थिएटर में था जब मैं प्लेस करता था उतना ही कमिटेड में टीवी में था उतना ही कमिटेड में OTT में हूँ उतना ही कमिटेड में फिल्म में बट इफ यू गिव मी एन ऑप्शन
देन 101% मूवीज एंड ओटीटी, क्योंकि उसमें आपको प्रेपरेशन का टाइम मिलता है. आप जो सीन लिखे जाते हैं आपके पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट है जिसको आप रिहर्स करते हो, दूसरे एक्टर्स के साथ वर्कशॉप करते हो, तो आप जब सेट पे आते हो आप प्रिपेयर्ड होते हो और उसका लॉन्जेविटी ज्यादा होता है. टीवी पे क्या होता है ना, हम लोग ऐसे दो जन बैठे और कैमरे लग गए और अभी स्क्रिप्ट अभी आ रही है गर्मा गर्म, दो बार पढ़ो और लगा दिया टक टक टक, और ऑडियंस को भी मजा आ रहा है एक बार पढ़ के वो लोग हट जाते हैं. एक्टर्स के लिए प्रैक्टिस बहुत, जिसने टीवी कर दिया वो कुछ भी कर सकता है, उसको कहीं पे भी छोड़ दो आप वहां से निकल जाएंगे. मैंने एक साल किया टीवी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था और मैंने बहुत सीखा. बिकॉज़ द आइडिया दैट नो आपको चार पेज तभी तभी आ रहे हैं जो होता है, बिकॉज़ टीवी पे द वॉल्यूम ऑफ वर्क इज जस्ट ह्यूमंगस. मैं कह रहा हूँ उसी टाइम पे स्क्रिप्ट आना, उसी टाइम पे करना, आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है. यू आर ऑन योर टोज ऑल द टाइम एंड इफ यू फोकस ना, इट्स अ ग्रेट लर्निंग. बिकॉज कैमरा आपके शक्ल पे 18 घंटे लगा हुआ है, तो आपकी जो भी थोड़ी सी भी झिझक होगी ना वो सब सब निकल जाएगी. टीवी इज अ ग्रेट मीडियम एंड इट पेज यू वेल. I just want to give one quick anecdote to this, a true life story. When I was doing Fan, तो निशा और उसके कजन हो रहा था, मैं फैन कर रहा था. फैन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने शाहरुख खान साहब को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, बचपन से फैन रहा हूँ. तो मैं आई ऑलवेज वांट टू शेयर स्क्रीन स्पेस बिफोर मैनेजर आके होता नहीं नहीं छोटा रोल मत करना. तो आई वाज बहुत आभारी हूँ मैं फैन की. और फैन में अभी दो पेज तीन पेज का सीन था जिसमें से शाह वाज स्पीकिंग टू लाइन, टू पेजेस मेरा एक पेज था. उतने में मेरे को एडी आके बोलता है ब्रो यू विल मैनेज ना ब्रो. तो इतना और शायद ऑब्वियसली ही वाज, मैं दो तीन घंटे पहले पहुंच गया था. तो मैंने पढ़ा, मैंने सब, मैंने तो डिस्क्रिप्शन भी रट्टा मार लिया. सो यू नो यू आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज़ यू आर डूइंग टेलीविजन, यू आर इन द मिडिल. सो अभी वैन में शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो वैन में शूटिंग कर रहे थे, वो एडी बेचारा जो डीए होगा वो फफलाता है और ऑब्वियसली शाहरुख खड़े सर, शाहरुख लाया बेटा क्या लाइन थी मेरा, बोला ऐसा वो बसूड़ी एडी हिचकॉक. सो एंड आई हैव आल्सो बीन इन एडी विद हिम, सो आई डोंट गिव हिम द लाइन, यू आर सेइंग दिस इज बसूड़ी व्हाटएवर. So he said me after some time he just stopped and he said tu TV kar raha hai. So I was like how do you know? He said nahi, because the ease that you have in your body, that you're so relaxed with on a line, even though you're working with him for the first time as an actor, he said you can clearly tell the ease of a TV actor. The only thing is that the TV actor should maintain the cinema in him, because a lot of TV actors jo lag rahi wo ek particular type ke ho jate hain. Ha, because typecast ho jate hain. Acting ek particular type ki karte hain, to jo demand hai na usme dekho kya hai ki ab जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रियल लाइफ में करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए हितिन अगर रियल लाइफ में अगर सरप्राइज होना होगा तो मैं खाली इस बार क्या बात कर रहा है सेटल है बराबर, लेकिन उसमें ऐसा करना पड़ता है क्या बात कर रहा है तो यू नो इट इज, तो वो हो जाता है और वो आ जाता है. इसीलिए ये गैप भी आ गया था कि यू नो टीवी स्टार टीवी वाला फिल्म में नहीं, बिकॉज फिर उनसे वो रियल एक्टिंग कराने में प्रॉब्लम होगा. बट ओटीटी आने से जी अब जो क्या होता है कि एक एक्टर को ये समझना चाहिए वो कौन से प्लेटफॉर्म पे, जिसने वो समझ लिया वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है. टीवी तो बहुत अच्छा रियाज है एक एक्टर के लिए. एक एक्टर को नॉर्मली व्हेनेवर ही इज नॉट वर्किंग और व्हेनेवर ही इज फ्री और व्हाटएवर, उसको रोज कुछ ना कुछ रियाज करना पड़ता है, बिकॉज आर्टिस्ट को करना पड़ता है, करना चाहिए इनफैक्ट मेरे हिसाब से. टीवी वो रियाज है, आपको ऑन द स्पॉट सीन मिल रहे हैं, ऑन द स्पॉट आपको करना है, आपको रिएक्ट करना है, आपको शॉट्स देने ऑन द स्पॉट और बड़े बड़े सीन्स. ऐसा नहीं कि भाई ऐसा कि भाई एक सीन एक लाइन का कोई सीन हो, नहीं वो है. पर वो करने के बाद अगर आप कुछ भी करने जाएंगे वो आपको ऐसे इजी लगता है, एक्सपर्ट बना देता है, एकदम एक्सपर्ट बना देता है, इजी हो जाता है आपके लिए. बट हाँ आपको याद रखना चाहिए टीवी में एक पर्टिकुलर स्टाइल से करना पड़ता है. ऑल्दो आजकल बहुत सारे डायरेक्टर और बहुत सारे शोज में ऐसा हो गया, बोलते सर नॉर्मल सटल कीजिए, आप कैरेक्टर के हिसाब से कीजिए. आई यू प्लेइंग अ लाउड कैरेक्टर यू रिएक्ट लाउडली, बट इफ यू प्लेइंग समवन हु इज वेरी सीरियस और जो है जैसे, तो प्लीज वो नॉर्मली रखिए, थोड़े रियल आ रहे हैं वो भी. ओके ओके. अच्छा आपको पता है इनको ना नागिन में रोल मिला था, ऐसा हमने जो डिस्कस किया था. क्या रोल था? I don't know. Nag. Sheshnag. मुझे बोला कि हम आपको लॉन्च करेंगे. I don't know भाई. मुझे बोला they said we are going to launch you. You need opposite the Nagin girl. हाँ. तभी तो. 100%. But I don't know. So of course I know it's a huge show and we are real privileged. I was considering it also. But then he said we are going to launch you and also I felt very bad. He said because Persis and Mautik and Sukesh who launched me, I felt if they are the ones who launched me, you should not say you're launching me. That's really not fair. So somehow it didn't work out. Yeah. But why not? I mean, why not Nagin? They said they launch you in TV. Yeah. Also, I'm a huge Ekta Kapoor fan. So, Hiten has done Big Boss.
Yes, Big Boss 11. Yes, how's life and how to see now? Big Boss to Kala. How do you see? Big Boss भी इधर है, काला भी इधर है. You have been Big Boss. हाँ, फिलहाल तो आप ही Big Boss. और धोखा वोखा भी जो हमने सुना ना तुम. नहीं नहीं, मैं सीधा साधा शरीफ. How did you survive in Big Boss? वो ही पूछ रही थी ना. How did someone? Exactly. I non-controversial person, simple, sober. कैसे? मैं यही देखने गया था कि मेरे जैसा आदमी क्या वहाँ सरवाइव कर सकता है. क्या ये जो मैं 14-15 चेहरे देखूंगा जितने भी वक्त रहूंगा, मुझे पता नहीं मैं कितने वक्त रहने वाला हूँ अंदर, क्या इन लोगों को मैं सह पाऊंगा, या ये देख देख के कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे दिखाते हैं कि लोग जाते हैं और बोलते हैं यार मैं वापस इसको ना देखूं, मैं थक गया हूं. लेकिन मैंने उन सबको मतलब झेल लिया. तो मतलब मैंने आई कुड बेयर देम, आई कुड अंडरस्टैंड, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या होता है. बट एक बात है, वहाँ रहने के बाद में वो ज़रूर होता है कि आपको बाहर आने के बाद में 2-3 दिन चाहिए टू कम बैक टू योर रियल थिंग, बिकॉज अंदर वो आप बस 2-3 दिन. मुझे 2-3 दिन लगे. काला के बाद भी आपको ऐसा कुछ लगा था? नहीं, काला में हम बंद बंद नहीं थे ना एक दूसरे के साथ 24 घंटे. really? पर हमें इतना पता था ना, इतना पता था ना कभी ना कभी तो घर जाएंगे. वहाँ तो ये नहीं था कि भाई कब जाएंगे, एलिमिनेट होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हुई. और क्या क्या करने वाले अभी ये लोग, कि एक ऐसा टास्क आ गया. बहुत काले वो तो है, क्या करें यार, करना पड़ता है.